आज हमें दादर में श्री कृष्ण बटाटा वड़ा क्या देखेंगे कि अनलॉक वन में खाने का फैसिलिटीज कैसा है, क्या आप सेफ है या नहीं। चलिए देखते हैं। Never forget. Safety first. So guys, अभी हम आए हैं बर्गर किंग में। अब हम यहाँ देखेंगे कि अनलॉक वन में ये लोग कैसे फैसिलिटीज दे रहे हैं, पैकेजिंग एवरीथिंग। अब हम देखेंगे, हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, मैंने जस्ट अभी चिकन बूपर ऑर्डर किया है, तो देखते हैं उनकी पैकेजिंग कैसी है, कितना सेफ है ऑर्डर करना खाना और कितना नहीं। कुछ ही देर में आपको आ जाएगा पैकेजिंग। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ किया कि नीचे इन्होंने लिखा है स्टैंड इन द लाइन या फिर स्टैंड बिहाइंड द लाइन, जो कि ये अच्छी बात है कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा है। पर देखा जाए तो डिपेंड होता है लोगों पर, पर ठीक है, लोग वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं और बर्गर किंग वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेफ टेक अवे के नाम पे। तो हमने भी ऑर्डर कर दिया है, 5 मिनट्स हो चुके हैं, उनकी सर्विस भी पास है ताकि लोगों को खड़ा ना रहना पड़े ज़्यादा देर और ज़्यादा रश ना। तो ये प्लस पॉइंट अच्छा है बर्गर किंग का, मुझे जो पसंद आया। प्लस ऑर्डर भी वन बाय वन दो काउंटर से टेक अवे जो जोमेटो और स्विगी के लिए इन लोग कर रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने अलग काउंटर रखे हैं और अच्छे से मैनेज किए हैं। ये जो पसंद आया, आप बाहर ही देख सकते हैं, मेन्यू ऑर्डर कीजिए, खाना लीजिए, लेते जाइए, तो आप देख ही सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम किड्स को कैसे भूल सकते हैं। शिवाजी पार्क में जो मेन स्ट्रीट फूड जैसा इन्होंने जो फूड कोर्ट बना के रखा है, तो उसकी बात करते हैं जो कि काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड है। तो अब हम यहाँ पे ऑर्डर करते हैं। यस सर, सत्य आमच्याकडे फ्रँकीचे प्रकार मिळतात, त्याच्यामध्ये नॉनव्हेज फ्रँकी आणि व्हेज। नॉनव्हेजमध्ये 3-4 व्हरायटी सध्या चालू केल्या आहेत, रेग्युलर चिकन, चिकन टिक्का, तवा चिकन आणि सेजवान चिकन। त्याचप्रमाणे व्हेजमध्ये पण फ्रँकीज आहेत, रेग्युलर व्हेज आहे, व्हेज चीज आहे, व्हेज सेजवान आहे, पनीर टिक्का आहे, असे फ्रँकीचे प्रकार सध्या चालू केलेले आहेत। आणि टिप्स हेमा कुलड्रिंक हे शिवाजी पार्कचं आउटलेट आहे। सो थैंक यू सो मच त्यासाठी। सो इफ यू कैन गाइस सी, आपको पता चल गया कि यहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं, तो आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं जोमेटो स्विगी से। सेफ्टी तो आपने देख ही लिया, डू नॉट टच, पर यहाँ पे आप खड़े रह के खा नहीं सकते। इनका रिस्पेक्ट कीजिए, ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको फूड मिलेगा, इंजॉय कीजिए। क्वारंटाइन लॉकडाउन 0.1। अभी हम हैं मेहरवानस के बाहर। जी हाँ, इस सब में केक शॉप भी तो ज़रूरी है, जो कि हमें रेगुलरली नमकीन रोल्स पैकेज केक्स बर्थडे कैसे भूल सकते हैं गाइस। तो रिव्यू टाइम, पैटिस बिल्कुल हाथ से टच नहीं हो रही है, वो स्पैचुला से या फिर वो चिमटा जो बोलते हैं उससे उठा रहे हैं, प्रॉपरली पैक कर रहे हैं, सील्ड भी अच्छे से, सेफ्टी आई वुड से 10 out of 6। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा हम सब जगह जाके आए, सब फ्रेश फ्रेश हो लिया। अभी मेन बात आती है कि इस अनलॉक वन में जैसे कि आपने देखा सेफ्टी लोग जितना ले रहे उतना ही टेस्ट में डिफरेंस आया है क्या?
फूड क्वालिटी है क्या वैसी की वैसी, ये अब हम चेक करेंगे। तो चलिए रिव्यू करते हैं जो फूड आइटम्स हमने लेके आए थे। तो सबसे पहले मेरे हाथ में आया है बटाटा वड़ा, जो कि सबका फेवरेट है और हमने भी इसे थोड़ा सा ओपन कर दिया है। तो टेस्ट देखते हैं इसका कैसा है क्या नहीं, चेकआउट करेंगे। बड़ा अच्छा फ्रेश लग रहा है, इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं अभी, तो जिससे हमें पता चले कि ये कैसा है। तो ज़्यादा ऑयली में खाता नहीं, ठीक है। टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला, क्वालिटी अभी भी वैसी है। आई एम क्वाइट इम्प्रेस, इसे एंजॉय करता हूँ। Awesome. So guys, बात करते हैं अभी रेटिंग्स की। तो सेफ्टी की रेटिंग्स मैं दूंगा 5 में से 3.5। इसका भी रीज़न है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फूड के लिए सेम 5 में से 3। पहली बात सेफ्टी के लिए अगर बोला जाओ तो इनकी सेफ्टी बहुत कमाल की है। ग्लव्स पहने थे, लाइन भी अच्छे से इन्होंने मैनेज की है। फूड देते वक्त ध्यान रखा है कि सैनिटाइज हो अच्छे से हाथ उनके, बट लोग तो सुनते नहीं, आप जानते हैं। तो इसलिए 3.5 इज़ द बेस्ट रेटिंग फॉर मी। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ। सो गाइज, अभी हम ले रहे हैं बर्गर, जो कि हमारा वूबर है, जो कि बर्गर किंग से है। तो उनकी सेफ्टी आपने देखी, सब कुछ देख लिया, तो चलिए सेम टेस्ट करते हैं। तो ये है बड़ा बर्गर जो मेरा फेवरेट है एक्चुअली। चलिए इसे टेस्ट सेम अभी के अभी वैसा ही है, बिल्कुल चेंज नहीं, उतना ही परफेक्शन इन्होंने रखा जितना था। बात करते हैं रेटिंग्स की। फूड रेटिंग्स ऑलवेज 4 out of 5 और सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी तो आप लोग ने देख ही लिया, उसके लिए भी मैं 5 में से 4 दूंगा। और तब तक के लिए मैं ये बर्गर इंजॉय करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है शिवाजी पार्क में थे, तो अगर आपने इतने दिनों में ये नहीं खाया, ओके, ये सरप्राइज है, दिखाता हूँ क्या है ये जो कि टिप्स की फ्रैंकी, तो आपने क्या खाया। तो अभी टिप्स की फ्रैंकी की बात करते हैं, उनके पास लिमिटेड मेन्यू है, पर जो भी है तगड़ा है, कम से कम मिल तो रहा है और सेफ्टी एक्चुअली अच्छी है। तो चलिए ट्विस्ट एंड टर्न इसे टेस्ट करते हैं। तो आपने देखा सेफ्टी का अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। अभी इसे अच्छे से निकाल लेते हैं और लेते हैं हमारी पहली बाइट। तो ये मैंने चिकन टिक्का फ्रैंकी लिए, तो लेते हैं इसकी एक बड़ी बाइट। टेस्ट वैसे का वैसा, क्वालिटी वैसे की वैसी, सेफ्टी आप तो देख ही लेंगे वीडियो में। मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। मतलब अब बात करेंगे रेटिंग की, तो रेटिंग में दूंगा सेफ्टी। वहां पे जो अंकल है उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब 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 कुछ सही था। सेफ्टी की बात करें तो सेम 5 में से 4। टेस्ट आपको सभी को पता है, अब तक चेंज नहीं होगा, ना होगा कभी आई गेस। 4.5 चिकन टिक्का फ्रैंकी बेस्ट, दी बेस्ट। सो गाइस, अभी बात करते हैं मेहरवान्स की। तो हम कल गए थे मेहरवान्स, जाके अभी मेरे फेवरेट रोल्स नहीं मिल रहे फिलहाल, वो नहीं बेक कर रहे। तो जिनका भी बर्थडे जा रहा है नज़दीक, जो भी है, तो आप वहाँ पे केक्स वेक्स जाके ले सकते हैं, वो मिल रहा है। और मोस्टली अभी हम ट्राई करेंगे पफ, क्योंकि वहीं पे पफ ही थे, तो हम पफ ला चुके हैं। पैकिंग भी अच्छी है उनकी, और जैसे कि मैंने देखा वहाँ पे आपके खाने को बिल्कुल हाथ नहीं लगता है, अच्छे से लाइक चिमटे से उठा के वो पैक करते हैं, प्रॉपरली पैक करके देते हैं। तो सेफ्टी भी अच्छी है उनकी, बट सोशल डिस्टेंसिंग उनके थोड़ा ज़रूरत है आई वुड से। तो चलिए पफ ट्राई करते हैं। तो मैंने लिया है वाइट सॉस पफ, तो चलिए इसका एक बाइट लेते हैं। अंदर वाइट सॉस है इसके अंदर, तो हम वो ट्राई करते हैं। वैसे लगा नहीं था वेज इतना टेस्टी होता है। वेल एंड गुड, टेस्ट अभी भी वैसा ही है जैसा कि था, प्राइजेस भी वही है। तो आप जाके जल्दी से जल्दी एंजॉय कीजिए ये पफ,
जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला बड़ा वाव बिहाइंड द सीन्स कितना बकचोदी होता है, लाइक शिट तूने रिकॉर्ड किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा कि इस पेंडेमिक में बाहर से इस अनलॉक वन में खाना कितना सेफ है या नहीं। फिर भी जैसे कि आपका बहुत लोगों का मेरे को DMs आए थे कि बाहर से खाना ऑर्डर करना सेफ है या नहीं Zomato से भी, तो आपने अभी देखा मैंने पूरी कोशिश की कि दिखा सकूं कि कितना सेफ है क्या नहीं। आप ये वीडियो देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितना सेफ है खाना बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करना या नहीं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक बड़ा लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेडी द फूडी को। तब तक के लिए बी सेफ़।